हेलो दोस्तों। तो चलिए, इस लेक्चर में हम लोग बात कर रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित क्वेश्चंस और उनके आंसर। तेवागा कृषक आंदोलन किस प्रांत में हुआ था? बंगाल में। अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? सर सैयद अहमद खान। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? 1940 में। अगला क्वेश्चन है, 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा किस नेता ने को हुई थी? बाल गंगाधर तिलक को। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने प्रथम नागरिक अयोग्य आंदोलन किस घटना के पश्चात प्रारंभ किया था? ये था रोलेट एक्ट के पश्चात। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड हार्डिंग पर किस क्रांतिकारी ने बम फेंका था? रास बिहारी बोस ने। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में सैनिक विप्लव की तैयारी की सूचना अंग्रेजों को देने वाला देशद्रोही कौन था? कृपाल सिंह। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था? कलकत्ता अधिवेशन में। अगला है, 13 मार्च 1940 को क्रांतिकारी ऊधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित किस अंग्रेज की हत्या की थी? माइकल ओडायर की। अगला क्वेश्चन है, जब दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि से सुशोभित किया गया था, उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिट्टन। अगला क्वेश्चन है, किस स्वतंत्रता सेनानी को अलीपुर सेंट्रल जेल में 1908 ईस्वी में फांसी दी गई थी? तो ये था खुदीराम बोस। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? तो ये जब कांग्रेस सरकार ने त्यागपत्र दिया। अगला क्वेश्चन है, बीडी सावरकर को किस केस में फंसाया गया था? नासिक षड्यंत्र केस में। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश पार्लियामेंट के किस अधिनियम के अंतर्गत क्वीन विक्टोरिया ने भारत की सावित्री घोषित की उपाधि ग्रहण की थी? तो द रॉयल टाइटल्स अधिनियम 1876 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को सर्वप्रथम ऑर्गेनाइज्ड वार फॉर नेशन नेशनल इंडिपेंडेंस कहा है? बी डी सावरकर ने। अगला है, बंग दर्शन किसका प्रमुख समाचार पत्र था? बाकिम चंद चट्टोपाध्याय का। अगला क्वेश्चन है, 1905 में भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगला क्वेश्चन है, वारिंद्र कुमार घोष तथा भूपेंद्र नाथ दत्ता ने कौन सा समाचार पत्र विकसित किया था? योगांतर 1906 में। अगला क्वेश्चन है, गणेश सावरकर तथा अनंत कन्हारे किस षड्यंत्र से संबंधित थे? नासिक षड्यंत्र से। अगला क्वेश्चन है, गदर आंदोलन का प्रमुख देश कौन सा था? अमेरिका। अगला है, किस व्यापारी के मुकदमे के संबंध में महात्मा गांधी 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए? अब्दुल्ला सेठ के मुकदमे में। अगला, किसने कहा था कि आई एम विथ यू होल हार्टली हार्टली एंड इन टर्म ऑफ कल्चर आई एम वन ऑफ यू? तो एनी बेसेंट ने। अगला, चापेकर बंधुओं ने किन दो अंग्रेज अफसरों की हत्या की थी? रेंड लेफ्टी आयर आयर्स की। अगला है, कांग्रेस की पूरी वर्किंग कमेटी व अन्य कुछ नेताओं को गिरफ्तार कर कांग्रेस को गैर कानूनी संगठन कब घोषित किया गया? 9 अगस्त 1942 को। अगला है, 9 नवंबर 1942 को किस नेता ने हजारीबाग जेल से भागकर नेपाल में केंद्रीय एक्शन कमेटी बनाकर आजाद दस्तों का गठन किया? यह जयप्रकाश नारायण ने। अगला क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन है, मार्च 1922 में पंडित मोतीलाल नेहरू तथा देशबंधु चित्तरंजन दास ने किस दल की स्थापना की थी? स्वराज दल की। अगला क्वेश्चन है, बारदौली किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अगला, पेशावर केस 1922-23, कानपुर केस 1924, मेरठ केस 1929-33 द्वारा किस आंदोलन का दमन किया गया? कम्युनिस्ट आंदोलन का।
अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए मद्रास प्रांत में तिरुचनापल्ली से वेदर नियम पद तक की पद यात्रा किसके नेतृत्व में आयोजित की गई थी? चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य की। अगला है, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने। अगला है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था? कमल और रोटी। अगला क्वेश्चन है, 1900 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच से बोलने वाली प्रथम महिला कौन थी? श्रीमती कमला गांगुली। अगला क्वेश्चन है, 1917 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? तो एनी बेसेंट। अगला है, सरोजिनी नायडू कांग्रेस अध्यक्ष कब और किस अधिवेशन में बनी? तो 1925 में कानपुर अधिवेशन में। ठीक है, यह याद रखिए, जो 1917 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट फर्स्ट महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गई थी, और भारत की फर्स्ट महिला सरोजिनी नायडू 1925 कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता की थी इन्होंने। अगला है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? याद रखिए, एनी बेसेंट, लेकिन भारत की नहीं थी, ठीक है, भारत की थी सरोजिनी नायडू। अगला है, आजादी की आवाज नाम से रेडियो चलाकर जंगलों में छिपकर गुप्त सूचनाओं के प्रसारण का कार्य किस महिला क्रांतिकारी ने किया था? तो ये थी उषा मेहता। अगला है, कांग्रेस के संस्थापक एओ ह्यूम कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? तो याद रखिए, कभी नहीं बने। अगला है क्वेश्चन हमारा, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ, उस समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय। ये 26 दिसंबर 1918 से 28 दिसंबर 1919 तक रहे। अगला क्वेश्चन है, पंडित मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? 1919 में, 28 दिसंबर 1919 से 4 सितंबर 1920 तक। अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 6 मई 1900, याद रखिए यहाँ गलत छपा हुआ है, रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को 1861 को हुआ था, ठीक है। यही जन्म भारत के एक महान व्यक्ति का भी है जिन्होंने इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र भी निकाला था, तो ये थे पंडित मोतीलाल नेहरू। याद रखिए, इनकी मृत्यु हुई थी रविन्द्रनाथ टैगोर की 7 अगस्त 1941 को, और इन्हें नोबेल पुरस्कार विजेता भी थे, ठीक। अगला, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगला क्वेश्चन है, नासिक के जैक्सन हत्याकांड के प्रमुख अभियुक्त कौन थे जिन्हें 19 अप्रैल 1910 को फांसी दी गई थी? ये थे अनंत कनहरे हेरे। अगला, इंडियन मेरन नामक पत्र के संपादक कौन थे? केशव चंद्र सेन। अगला क्वेश्चन है, फिर्स्ट इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? तो याद रखिए, 1794। अगला, याद रखिए, यह फिट्स इंडिया एक्ट हुआ था 1784 ईस्वी में पारित, ठीक है। अगर आपको बता दें कि अगर आपको लगता है कोई डेट गलत है तो उसे एक बार चेक जरूर कर लें, ठीक है। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। अगला है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारत ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग सन 1929 में की थी? कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन है, किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया था? 1930 ईस्वी में। अगला है, आजाद हिंद फौज की स्थापना करने कब लिया गया था? 1942 में बैंकॉक में इंडियन इंडिपेंडेंट डेंस लीग की सभा में। अगला, हु लिव इफ इंडिया डाई, या किसकी ने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने।
अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व नाना साहब ने किया, उस समय वहां का अंग्रेज जनरल कौन था? जनरल हैद लाख। अगला है, गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? मई 1916 में। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ? बंगाल विभाजन के विरोध प्रारंभ हुआ आंदोलन है के समय। अगला है, कांग्रेस में गोलमेज सम्मेलन किस बैठक में भाग लिया? तो केवल दूसरी बैठक में कांग्रेस ने भाग लिया था, महात्मा गांधी ने कांग्रेस की तरफ से, ठीक। अगला है, दिल्ली षड्यंत्र केस में किसके द्वारा मुखबिरी की गई थी? दीनानाथ द्वारा। अगला क्वेश्चन है, 1937 में जन जागरण की स्थापना कहाँ हुई थी मंच की? तो यह मैसूर राज्य में। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? बटुकेश्वर दत्त।